जय हिंद साथियों नमस्कार स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है मित्र सभी को पता है इसका एग्जाम जो है बहुत ही जल्द होने वाला है तो तैयारी जो है बहुत जोरों से करनी होगी इसके लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं कोई भी मित्र एक भी क्लास स्किप नहीं करेगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहती है और ना ही क्लास को बीच में छोड़कर जाएगा सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास ताँट को लाइक नहीं किया है वो क्लास को लाइक कर देंगे तो चलिए मित्र आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने रखते हैं निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छाटिए तद्भव शब्द का चयन करना है फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं तद्भव शब्द कपूर बिल्कुल सही बता रहे हैं कपूर जो है यह तद्भव शब्द है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा इसका तत्सम जो है मित्र होता है तो पूछा गया था तद्भव तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं कपूर बिल्कुल सही बता रहे हैं नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है तद्भव शब्द का चयन करना है फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं तद्भव शब्द अचरज बिल्कुल सही बता रहे हैं अचरज जो है यह तद्भव शब्द है इसका तत्सम क्या होगा आश्चर्य हो जाएगा इसका तत्सम आश्चर्य होगा अचरज जो है यह तद्भव शब्द है ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए तद्भव शब्द को पहचानना है फटाफट फड़ बता देंगे राइट आंसर क्या होगा तो बिल्कुल सही प्यासा जो है ये तद्भव शब्द है मित्र राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा इसका तत्सम जो है पिपासु होता है प्यासा जो है ये तद्भव शब्द है इसका तत्सम जो है ये पिपासु होगा तो इसका राइट आंसर जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बता रहे हो नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है फटाफट फड़ बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा बिल्कुल सही बिना परिवर्तन के जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो और नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है तद्भव शब्द आपसे पूछ रहा है फटाफट -फड़ बता देंगे राइट आंसर क्या होगा बिल्कुल सही तद्भव शब्द है जो ये माथा जो है मित्र ये तद्भव शब्द है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा इसका तत्सम क्या होगा मस्तक होगा मस्तक होगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है तद्भव शब्द बने हैं तद्भव शब्द किससे से बने हैं फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बिल्कुल सही बता रहे हैं तद्भव शब्द किससे से बने हैं संस्कृत शब्दों से कुछ बदलाव से बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही है नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छाटिए कौन सा वाक्य अशुद्ध रूप से लिखा गया है फटाफट फड़ बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा अशुद्ध पूछ रहा है ध्यान दीजिएगा फटाफट फड़ बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं किस्त जी के अनेकों नाम है ये वाक्य जो है शुद्ध लिखा गया बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ अनेकों नहीं अनेक होना चाहिए था तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश है मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश आपसे पूछ रहा है फटाफट फड़ बता दो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं मैंने बिल्कुल सही कह रहे हैं मैंने जो है है यहाँ मुझे होना चाहिए था तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट right आंसर बताना है फटाफट फड़ बता देंगे इसका राइट right आंसर क्या होगा मैंने मेरे को सुधार लिया वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है मैंने मेरे को सुधार लिया वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है फटाफट फड़ बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं सर्वनाम संबंधी अशुद्धि बिल्कुल सही बता रहे हैं मैंने मेरे को नहीं मैंने अपने को सुधार लिया यहाँ अपने होना चाहिए था सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा मुझे आज खाने का मन नहीं होती है उपयुक्त वाक्य में अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए मुझे आज खाने का मन नहीं होती है इसमें कौन सा अंश अशुद्ध लिखा गया है फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं मन नहीं होती यह शुद्ध है बिल्कुल सही मुझे आज खाने का मन नहीं है होना चाहिए था मन नहीं होती है, यही अशुद्ध यह है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या हो जाएगा निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है आपके सामने वाक्य दिया गया है आप नानी के घर जाओ इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा फटाफट फड़ बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं आप नानी, आप नानी के घर जाओ इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा आप नानी के घर जाइए बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे जो भी भाई बहन बता रहे हैं आप नानी के घर जाइए ये वाक्य शुद्ध है बिल्कुल सही बता रहे हो नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है कौन सी इसमें विद्यापति की रचना नहीं है? आपसे पूछ रहा है फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर दीजिए मित्र बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं गीत गोविंद बिल्कुल सही बता रहे हैं गीत गोविंद जो है मित्र ये विद्यापति की नहीं है ये जयदेव जयदेव जी की है तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं गीत गोविंद विद्यापति की नहीं है जयदेव जी की है बिल्कुल सही बता रहे हैं नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है फटाफट फड़ बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा विशल देव राशो के रचनाकार कौन थे विशल देव रासो के रचनाकार कौन थे फटाफट फड़ बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही नरपत नाल थे विशल देव रासो के रचनाकार कौन थे नरपत नाल थे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है फटाफट फड़ बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा पद्मावत में उल्लेखित राजा रतन सेन दो इसका राइट आंसर क्या होगा तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सही बता रहे हैं रतन सिंह कहाँ के राजा थे चित्तौड़गढ़ के राजा थे ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है फटाफट फड़ बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी रचना तुलसी की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सी रचना तुलसी द्यास जी द्वारा रचित है फटाफट फड़ बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे वरवे रामायण बिल्कुल सही बता रहे वरवे रामायण जो है ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे और ये अवधि भाषा में है, है वरवे छंद है इसमें यहाँ लिखा गया एक्सप्लेनेशन आपको इसका पी हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा नेक्स्ट आपके सामने कीर्तलता की भाषा क्या है कीर्त लता की भाषा क्या है फटाफट फड़ बता देंगे इसका राइट right आंसर क्या होगा तो बिल्कुल सही कीर्तलता जो है ये किस भाषा में लिखा गया है अवहट भाषा में लिखा गया है किसके द्वारा लिखित है तो अभी आपने पढ़ा था ऊपर विद्यापति जी द्वारा कीर्तलता लिखी गई है किस भाषा में लिखी गई है अवहट भाषा में लिखी गई है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं अवहट बिल्कुल सही बता रहे हैं तो कीर्तलता किसकी रचना है तो विद्यापति जी की रचना है ऑप्शन नंबर डी और हट बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है फटाफट फड़ बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या होगा कबीर की भाषा क्या कहलाती है कबीर की भाषा क्या कहलाती है फटाफट फड़ बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र जिसने क्लास को शेयर नहीं किया है हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं एक बार सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके मित्र तो फटाफट फड़ क्लास को शेयर कर देंगे तो बिल्कुल सही कबीर की भाषा क्या कहलाती है शुकड़ी कहलाती है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है रेदास का दूसरा नाम है रेदास को और किस नाम से जाना जाता है फटाफट फड़ बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं रविदास बिल्कुल सही बता रहे हैं रेदास का दूसरा नाम जो है ये रविदास है ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हैं नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है फटाफट फड़ बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा कबीर क... को परिवर्तन माना जाता है कबीर को किसका परिवर्तन माना जाता है फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे निर्गुण संप्रदाय बिल्कुल सही बता रहे हैं कबीर को किसका परिवर्तक माना जाता तो, है निर्गुण संप्रदाय का परिवर्तक कबीर दास जी को माना जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है फटाफट फड़ बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्र आज के तो सभी भाई बहन बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये पंक्तियाँ किसने लिखी है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है फटाफट फड़ बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी हैं रेदास जी द्वारा लिखी गई हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है फटाफट फड़ बता देंगे राइट आंसर क्या होगा रामचरित में कितने कांड हैं रामचरित मानस में कुल कितने कांड हैं फटाफट फड़ बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या हो जाएगा गलती नहीं करना है फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन बिल्कुल सही बता रहे जो भी भाई बहन बता रहे हैं सात कांड बिल्कुल सही बता रहे रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं सात कांड हैं बाल कांड अयोध्या कांड अरण्य कांड किष्किंधा कांड सुंदर कांड लंका कांड और उत्तर कांड ये सात कांड हैं रामचरितमानस में साथ जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में लिखित है फटाफट फड़ बता दो सभी भाई बहन राइट आंसर क्या होगा तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे कवितावली बिल्कुल सही बता रहे हैं जी की रचना कवितावली जो है ये ब्रज भाषा में रचित है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके सामने सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा रामचरित मानस की रचना किस भाषा में हुई है फटाफट फ़ड़ बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही रामचरित मानस जो है ये अवधि भाषा में लिखा गया है जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी अवधि बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है फटाफट फड़ बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे तुलसीदास की भक्ति जो है ये दास से भाव की है बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है अब लो नशानी अबना नशे हो तुलसीदास की ये उक्ति उनकी किस रचना से उद्धरित है फटाफट फड़ बता दो उनकी किस रचना से यह लिया गया है सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गलती नहीं करना है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पंक्ति है ये फटाफट फड़ बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा तो बिल्कुल सही अब लो नशानी अपना न सही हो तुलसीदास के विनय पत्रिका से लिखा गया है ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है फटाफट फड़ बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा सूर सागर की सूर सागर किस भाषा में लिखा गया है सूर सागर जो है मित्र ये किसकी रचना है सूरदास जी की है ये किस भाषा में लिखा गया आपसे पूछ रहा है फटाफट फड़ बता देंगे राइट आंसर क्या होगा तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं ब्रज भाषा में लिखा गया है बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है फटाफट फड़ बता देंगे राइट आंसर क्या होगा नंद ब्रज लीजे ठोंकी बजाय पंक्ति किस कवि की है ये जो पंक्ति दी गई है ये किस कवि की है फटाफट फड़ बता देंगे राइट आंसर क्या होगा जो भी भाई बहन बता रहे हैं सूरदास जी की बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है कृष्ण गीतावली किसकी रचना है कृष्ण गीतावली किसकी रचना है फटाफट फड़ बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी की है बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा सुदामा चरित किसकी रचना है सुदामा चरित किसकी रचना है फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या होगा तो बिल्कुल सही सुदामा चरित जो है ना ये नरोत्तम दास जी की है ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही है नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरी भाव बाधा हरो दोहा निम्न में से किस कवि का है मेरी भाव बाधा हरो राधा नागर सोए दोहा किस कवि का है फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या होगा तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे बिहारी विह, कबीर दास जी की नहीं मित्र बिहारी की है मेरी हरो दो दोहा जो है ये किस की है ये की बिहारी जी की है ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है मेरे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नको किसका पद है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई ये जो पद है ये किसका है फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन राइट right आंसर क्या होगा तो बिल्कुल सही ये पद किसका है जी का है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट right आंसर बताना है फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन राइट right आंसर क्या होगा हिंदी भाषा की स्लिप में लिखी जाती है हिंदी भाषा की स्लिपी में लिखी जाती है फटाफट बता देंगे राइट right आंसर क्या होगा तो बिल्कुल सही हिंदी भाषा जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा पंजाबी जो है ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है मित्र तो इसका राइट आंसर क्या होगा हिंदी किस भाषा किस लिपि में लिखी जाती है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं चौदह सितंबर बिल्कुल सही बता रहे हैं चौदह सितंबर उन्नीस सौ तो उनचास को हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया इसी दिन से हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या होगा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है फटाफट फ़ड़ बता दो सभी भाई बहन राइट आंसर क्या होगा तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं व्याकरण से बिल्कुल सही बता रहे व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं निम्नलिखित में से कौंटा वर्ग में नहीं है निम्नलिखित में से कौन वर्ग में नहीं है आपसे पूछ रहा है ध्यान दीजिएगा बिल्कुल सही बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं, धा बिल्कुल सही बता रहे हैं धा जो है टा वर्ग में नहीं है यह वर्ग में है इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा धा इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हाँ आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है सभी भाई बहन बता देंगे राइट आंसर क्या होगा आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावादी के प्रथम हुआ प्रतिनिधि कवि कौन है फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या होगा तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत बिल्कुल सही बता रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावादी के प्रथम हुआ प्रतिनिधि कवि है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या हो जाएगा रस सूत्र के जनक माने जाते हैं रस सूत्र के जनक कौन माने जाते हैं फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा बिल्कुल सही रस सूत्र के जनक भरत मुनि माने जाते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा इनके अनुसार रसों की संख्या मित्र आठ है ये शांत रस को रस नहीं मानते इसलिए इनके अनुसार आठ है वैसे रस की संख्या नौ है लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या आठ है ये शांत रस को रस नहीं मानते तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है फटाफट फ़ड़ बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है संयुक्त स्वर कौन सा है फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं ए आई ओ आओ ये संयुक्त स्वर है बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बनाना है मानक हिंदी का आधार क्या है मानक हिंदी का आधार क्या है फटाफट फड़ बता देंगे राइट right आंसर क्या होगा तो बिल्कुल सही मानक हिंदी का आधार जो है खड़ी बोली है ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट right आंसर बताना है फटाफट फड़ बता देंगे इसका राइट right आंसर क्या होगा पूर्वी हिंदी विकसित हुई है पूर्वी हिंदी किससे विकसित हुई है फटाफट फड़ बता दो इसका राइट right आंसर क्या होगा गलती नहीं करना है पूर्वी हिंदी किससे विकसित हुई है तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं अर्धमागधी अपभ्रंश से बिल्कुल सही बता रहे हैं अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी विकसित हुई है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है मित्र अवधि बघेली आती है और छत्तीसगढ़ी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत किससे विकसित हुई है तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है फटाफट बता देंगे भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ आर्य भाषा का आरंभ कब से हुआ फटाफट फड़ बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या होगा तो बिल्कुल सही का आरंभ जो है भारत में के आसपास हुआ था ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है फटाफट फड़ बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या हो जाएगा भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया फटाफट फड़ बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के मित्र तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है सूरदास के गुरु कौन थे सूरदास के गुरु कौन थे फटाफट फड़ बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य बिल्कुल सही बता रहे हैं सूरदास के गुरु का क्या नाम था वल्लभाचार्य थे ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है फटाफट बता देंगे कबीर दास की भाषा कौन सी थी कबीर दास की भाषा कौन सी थी अभी आपने बताया कबीर दास की भाषा जो है ये सदुकड़ी थी इनकी रचना जो है मित्र क्या है बीजक है तो इनकी भाषा कौन सी थी सदुकड़ी थी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है फटाफट फड़ बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी भाई बहन बताएंगे भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन आंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं चौदह सितंबर उन्नीस सौ उनचास बिल्कुल सही बता रहे चौदह सितंबर उन्नीस सौ उनचास को भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं संविधान के भाग सात के भाग के अनुच्छेद से तीन सौ इक्यावन तक उल्लेख किया गया है तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं चौदह सितम्बर उन्नीस सौ उनचास बिल्कुल सही बता रहे हैं नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है फटाफट बता देंगे कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं द्रविड़ भाषा परिवार बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा हिंदी खड़ी बोली किस अप्रभंस से विकसित हुई है हिंदी खड़ी बोली किस अप्रभंश से विकसित हुई है फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं शौर्य से नहीं और से बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे नमस्कार अब जी के विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म जी हाँ आप सभी के लिए पाँच हजार प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है इस ई बुक में आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन साइंस के अंतर्गत फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और स्ट्रेटी के, के पाँच हजार प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए इस ई e बुक को आप मात्र थर्टी नाइन रुपये में परचेज कर सकते हैं जिस पर सिक्सटी परसेंट का डिस्काउंट चल रहा है अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र उनतालीस रुपये में खरीद सकते हैं इसको खरीदने के लिए यू पी आई आई डी पूजा बी सी आई टी जीरो फाइव एट द रेट ओके एस बी आई पर आपको मात्र उनतालीस रुपये पे करना है या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर एट नाइन फोर एट डबल सिक्स सेवन सिक्स फाइव टू पे आप प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं यह ई e बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज्यादा मदद करेगी बहुत बहुत धन्यवाद